बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक आप लोगों के साथ, सर्विंग इंजीनियर ज़ैनफ़ा में प्लेटफॉर्म से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बेरिंग डिस्टेंस के जरिए कोऑर्डिनेट की कैलकुलेशंस को कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास स्टार्ट पॉइंट है 00RD, उसकी स्ट्रिंग नॉर्थिंग दी गई है, ऊपर हमें इसकी बेरिंग दी गई है। बेरिंग के साथ हमारे पास मुख्तलिफ RDs के ऊपर हमने इसके कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करना है। जो भी RD होगी, जो भी डिस्टेंस होता है, उसके ऊपर हमने इसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये उसके लिए पूरी डिटेल के साथ हम इसके अंदर बात करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो उसके लिए हमारे पास दो फार्मूले यूज होते हैं। पहला फार्मूला जो हमारे पास है वो कैलकुलेटर के ऊपर REC डिस्टेंस कॉमा बेरिंग और उसके अंदर स्ट्रिंग प्लस एक्स और नॉर्थिंग प्लस वाई है। तो सबसे पहले हमने इसके फार्मूले को हम यूज करेंगे और इसको बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ऊपर आपके पास लाइन बेरिंग दी गई है, आप ये देख रहे हैं हमारे पास लाइन बेरिंग दी गई होगी। इसको आपने डेसीमल के अंदर कन्वर्ट करना है। कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है, 135 डिग्री, 15 डिग्री और 50 को आपने इधर उसको डेसिमल के अंदर इसी तरीके से ले आना है, 150.2639। उसके बाद आपने इधर इसी तरह REC कैलकुलेटर के ऊपर ओपन करना है। आपने पहला पॉइंट जो आपको पर डिस्टेंस जा रहा है वो डिस्टेंस आपने इधर नोट कर लेना है, 100 है, 200 है, 300 है। तो उसके बाद आपने उसकी बेरिंग साथ लगानी है। तो आपने इधर से इसी तरीके से कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है, शिफ्ट और ये माइनस के ऊपर आपके पास इधर REC होएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने शिफ्ट REC प्रेस कर देना है, उसके बाद आपने 100 जो डिस्टेंस होएगा शिफ्ट के साथ कॉमा लगा देना है और उसके बाद बेरिंग जो हमने डेसिमल के अंदर लगाई है 135.2639 उसको आपने इधर लगा देना है। लगाएंगे तो ये आपके पास सामने एक्स आ जाएगा और आगे आपके पास वाई आ जाएगा। तो इधर आपने अल्फा एक्स प्रेस करेंगे तो इधर आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी और अल्फा वाई आप इधर से प्रेस करेंगे तो ये आपके पास वाई की वैल्यू होगी। तो इधर से आपने इसी तरीके से ये आप इसके एक्स और वाई की कैलकुलेशन करके और अपने पास अपने नोट कर ले अपने पैड के ऊपर एक्स और वाई जो भी वैल्यूज आपके पास आ रही है तो आपने इधर नोट कर लेनी है। अभी उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं कि स्ट्रिंग प्लस एक्स और नॉर्थिंग प्लस वाई है। तो आपने एक्स के अंदर को स्ट्रिंग की वैल्यू जो आपको पर स्टार्ट वाली है उसको आपने प्लस कर देना है और वाई के अंदर आपने नॉर्थिंग वाली जो आपकी फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू आ रही है उसको आपने प्लस कर देना है। कैलकुलेटर को ओपन करना है, एक्स की वैल्यू हमारे पास थी प्लस आपने स्ट्रिंग की वैल्यू 1000 मेरे पास है, आप प्लस करेंगे तो आपके पास 100 की स्ट्रिंग आ जाएगी। इसी तरीके से वाई की वैल्यू हमारे पास थी 70.3842 वो, और उसके अंदर आपने नॉर्थिंग की वैल्यू प्लस कर देनी है तो आपके पास नॉर्थिंग की नेक्स्ट स्टेशन की उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे स्ट्रिंग और नॉर्थिंग के। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इसी तरह सेकंड RD आपके पास 200 की है तो आपने इधर से सिर्फ उसका डिस्टेंस चेंज करना है। बेरिंग हमारे पास वही होगी और फार्मूला वही यूज़ होएगा हमारे पास REC डिस्टेंस और कॉमा बेरिंग का। तो आपने इधर से उसके एक्स और वाई को कैलकुलेट करके इधर अपने पास नोट कर लेना है और उसके अंदर आपने स्ट्रिंग और नॉर्थिंग की वैल्यू को आपने इधर ऐड कर देना है। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि हमने डिस्टेंस लिया 200, तो हमने जो RD पे करनी है प्लस उसके अंदर ये हमने स्टार्ट स्ट्रिंग और नॉर्थिंग करनी है। अगर आपने 100 लेंगे तो आपने ये वाली वैल्यू करनी है। तो आपने इसी तरीके से इस वैल्यू को आप इसके अंदर प्लस करते जाएंगे तो आपके पास 200 की जो स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू आ जाएगी और वाई के अंदर आपने नॉर्थिंग की वैल्यू को प्लस करना है स्टार्ट वाली, तो वो आपका आ जाएगा। तो आप हमने डिस्टेंस इधर 200 का लिया था तो ये 200 के हिसाब से 2 इधर इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर का जो फार्मूला है वो हमारे पास फार्मूला है इधर के स्ट्रिंग प्लस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई कॉस बेरिंग। कॉस बेरिंग क्या होगी, ये जो हमारी बेरिंग है इसका हमने कॉस लेना है और डिस्टेंस के साथ इसको मल्टीप्लाई करके स्ट्रिंग वैल्यू को प्लस कर देना है। नॉर्थिंग के लिए नॉर्थिंग प्लस डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास 300 का आएगा, 300 कर लेना है और उसको आपने बेरिंग का आपने साइन ले लेना है। साइन के साथ करेंगे तो आपके पास थर्ड बेरिंग आ जाएगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इधर से 0 से 0, 100, 200, 300। अगर आपने इस पॉइंट से इसको लेकर जाना है तो आपने इसका डिस्टेंस 100 मीटर या 100 फिट आपने रख लेना है। तो इस फार्मूले का अगर यूज़ करते हैं तो इस फार्मूले के हिसाब से सारी वर्किंग होएगी। आपने इधर 100 पहले स्ट्रिंग स्टार्ट वाली लिख लेनी है, उसके बाद डिस्टेंस जो हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लाई करना है और इधर आपने ये कॉस बेरिंग ले लेनी है। बेरिंग हमारे पास ये है, आपने कैलकुलेटर के अंदर कॉस और 135.2639 करके उसकी वैल्यू आपने इधर लगा देनी है। प्लस और माइनस का आपने साइन का हिसाब रखना है, जो भी साइन आ रहा होगा आपने लगाना है। उसके बाद आपने 100 प्लस 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.710 आपने करेंगे तो ये आपके पास स्ट्रिंग की वैल्यू आ जाएगी 787.00 इस पॉइंट की। इसी तरह नॉर्थिंग की वैल्यू आपने इधर लिख लेनी है, उसके बाद उसका डिस्टेंस ले लेना है और बेरिंग का आपने साइन लेना है। ये साइन बेरिंग है तो आपने इधर बेरिंग को लेकर उसका साइन ले लेना है। तो जो भी साइन आपकी वैल्यू आपके पास आएगी प्लस या माइनस के अंदर वो आप
आपने नोट कर लेनी है। नोट करने के बाद आपने दोबारा कैलकुलेटर के ऊपर इन सबको इसी फॉर्मेट के अंदर प्लस कर देना है। हमारे पास स्टार्ट स्टिंग है फिर 15500 प्लस और ब्रैकेट लगानी है 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.7038 कर देना है। करने के बाद हमारे पास इसकी नर्सिंग की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने आपको दोनों किस्म के फार्मूले के साथ बताया है। ये दोनों फार्मूले आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत सिंपल और बहुत ईजी ये फार्मूले हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि पहला जो हमने कैलकुलेट किया था वो नीचे वाले फार्मूले के हिसाब से और दूसरा जो था हमारा वो कॉस साइन के हिसाब से था और पहला हमारा REC कैलकुलेटर के ऊपर जो फंक्शन होते हैं उसके हिसाब से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर देना है, मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।